हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर लाइफ बूस्टर चैनल। दोस्तों, योर लाइफ बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे टैक्स बचाने के लिए इस स्कीम में निवेश करके आप 2 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही इसके साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। यानी 2.5 लाख रुपए से अधिक आपकी जो इनकम है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि इनकम टैक्स के नियम आपको यह सुविधा भी देते हैं जिससे आप कुछ स्कीमों में पैसा निवेश कर उस पैसे पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं, यानी इस पैसे पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। आज हम आपको ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप पैसा निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि अपना निवेश लंबी अवधि में आपको 2 करोड़ रुपये का मालिक आपको बना देगा। तो दोस्तों, NPS में निवेश कर सकते हैं और सालाना 1.5-1.5 लाख रुपये आप न्यू पेंशन सिस्टम में सालाना 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। NPS में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश टैक्स फ्री है, यानी इस पर टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की निवेश पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। स्कीम में निवेश कर आप रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन भी सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, 2 करोड़ के फंड के लिए हर माह आपको 10,000 रुपये निवेश करने पड़ेंगे। आपको NPS के तहत 2 करोड़ रुपये का फंड बनाने के लिए 10,000 रुपये का निवेश करना होगा। उदाहरण के लिए, कुमार की उम्र 30 ईयर है और वो टैक्स बचाने के लिए हर माह 10,000 रुपये NPS में निवेश करता है। इस तरह शिव साल में 1,20,000 रुपये NPS में निवेश करेगा और इसकी इस रकम पर टैक्स नहीं देना होगा। अगर कुमार 60 साल की उम्र तक हर माह 10,000 रुपये निवेश करता है तो उसकी सालाना 10% रिटर्न मिलता है, तो 30 साल में उसका रिटायरमेंट फंड अप्रोक्सीमेट 2 करोड़ रुपये हो जाता है। तो दोस्तों, हर माह मिलेगी 60,000 रुपये तक की पेंशन। NPS के तहत रिटायरमेंट के समय कुल फंड का 40% एनुटी प्लान खरीदने पर खर्च करना होगा, यानी कुमार को 2 करोड़ रुपये में से लगभग 90 लाख रुपये का एनुटी प्लान खरीदना होगा। इससे कुमार को हर माह लगभग 60,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसके अलावा कुमार को 60 साल की उम्र में 1,37,00,000 रुपये का लमसम अमाउंट के तौर पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है आप एक अच्छा फंड बना सकते हैं और अपनी जो है बुढ़ापा भी सिक्योर कर सकते हैं और टैक्स भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सलाह ले सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही इसके साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जो जानकारियाँ हैं वो आपको सबसे पहले मिलें। तो दोस्तों, बाय बाय, गुड डे, गुड लक, टेक केयर, मिलेंगे एक नए आइडिया के साथ।